What's up guys, welcome to the channel. आप लोग सोच रहे होंगे कि आज पंकज कैसे क्या Clash of Clans का बेस विजिट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जनता कर्फ्यू है थ्रू आउट इंडिया, मोदी जी का जो इनिशिएटिव है, वैसे ही Clash of Clans इंडिया ने एक इनिशिएटिव रखा है कि जैसे आज संडे है तो सब लोग घर पे बैठेंगे, कोई बाहर भी नहीं निकल सकता। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग चीज होने वाली है आप सभी के लिए, जो जो Clash of Clans के लवर्स है, Clash of Clans प्लेयर्स है, या Clash of Clans सबको मतलब बहुत पसंद आता है, उनके लिए आज एक स्पेशल चीज है कि आज थ्रू आउट द डे एक क्लैश मैराथन ऑर्गेनाइज किया है Clash of Clans इंडिया में, जिसमें आपके फेवरेट यूट्यूबर्स Clash of Clans के टाउन हॉल्स के अटैक स्ट्रेटजीज वगैरह आपको बताएंगे। और Clash of Clans के ऊपर आज बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, स्मॉल यूट्यूबर्स बड़े यूट्यूबर्स सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज दिन भर Clash of Clans लवर्स के लिए बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाला है, ये समझ लेना कि मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ। इसके बाद मल्टीपल अलग अलग जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स पे ये सब वीडियोस आएंगे। तो इसी चीज के लिए मैंने भी आज सोचा कि चलो, इतने दिन से मैं नहीं खेल रहा था Clash of Clans। आपको जैसे कि पता है कि मैं रियल लाइफ वीडियोस बनाता हूँ, Clash of Clans दिल में बसा हुआ है, बस अभी खेल नहीं रहा हूँ बिकॉज एक अलग गेम खेल रहा हूँ अभी Clash Royale, लेकिन Clash of Clans हमेशा से जुड़ा हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज विजिट कर लेते हैं अपना बेस, जिससे इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, देखते हैं Clash of Clans में और क्या क्या नई नई चीजें आई है। तो लेट्स गो। तो ये रहा अपना Clash of Clans ऐप, अभी भी मेरे फोन में है, मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया है और कभी नहीं होगा अनइंस्टॉल, बिकॉज इस गेम ने बहुत कुछ दिया है। अभी भी इसके ऊपर रियल लाइफ का वीडियो चालू है। तो आज मैं विजिट करूंगा बहुत दिनों के बाद अपना बेस। तो ये रहा अपना लोडिंग स्क्रीन और ये रहा मेरा बेस। ओके, कोई अटैक करके अच्छी खासी लूट निकाल के चला गया है। आप लोग ये देख के बोलोगे कि बहुत रश्ट है, एक्चुअली मैंने ऐसे ही छोड़ के मैं निकल गया था, और मुझे लगता कि रश्ट बेस होता है तो खराब होता है, रशर्स भी होते हैं, समझ लो उस कैटेगरी में था जब मैं खेला करता था। बट ये है अपना बेस और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ चुके हैं। तो जो ऑब्स्टेकल्स हैं पहले उन्हें क्लियर कर लेते हैं, जो कुछ है इतने सारे सब ऑब्स्टेकल्स है। और ये कुछ खास चीजें आई थी, ये जो क्रिसमस का ट्री है, ये लैंटर्न है, ऑलराइट, इनको सबको हम लोग क्लियर कर लेते हैं पहले। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस गेम से, उस वक्त कितना खेला करता था, अटैक्स वगैरह, इसी से तो सब कॉन्सेप्ट आए, इसके ऊपर कुछ कंटेंट बनाते हैं। लेकिन कोई तो अटैक करके गया है, तो एक बार देख लेते उसने क्या अटैक किया था, क्योंकि एक्चुअली मैं भी जमाने बाद खेल रहा हूँ या देख रहा हूँ या वापस लॉग इन करके आ रहा हूँ अपने बेस पे। तो एक होता है ना कि पुरानी चीज़ें थोड़ी बहुत भूल जाते हैं कि अटैक स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे बनाया करते थे। तो कुछ इस तरीके से ये बंदा खेल लूट मार के गया था पूरा मेरे बेस के ऊपर। तो अभी चलते अपने बिल्डर हॉल की तरफ। बिल्डर हॉल में लास्ट जो चीज खेला करता था एक्टिवली वो था बिल्डर हॉल। तो गाइस मैं इतने दिनों बाद अटैक करने जा रहा हूँ, और मैं जब अटैक किया करता था मैं कैनन कार्ट और जायंट और बेबी ड्रैगन्स और ये अपना बैटल मशीन लेके जाता था और बस अटैक करता था ऐसे ही रैंडमली, और तभी ही कभी कभार मैं खेला करता था। मैं जायंट्स को आगे रखता था और कैनन कार्ट के साथ पीछे से इसको डिफेंसेस को क्लियर आउट किया करता था। तो ऐसा कुछ अटैक किया करता था मैं। और क्रशर मुझे इसमें कुछ अलग लगता है, जैसे मुझे लगता है कि क्रशर कहीं ना कहीं टाउन हॉल में भी आना चाहिए, ये कुछ अलग है थोड़ा अपने नॉर्मल टाउन हॉल से, और कुछ इस तरीके से अटैक किया करता था मैं। अभी इस अटैक में प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने बैटल मशीन का एबिलिटी यूज़ नहीं किया, जो कुछ थोड़ा बहुत थॉर वाला एबिलिटी है, तो मेरा अटैक इतना सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज इतने दिनों बात कर रहा हूँ, कुछ प्लान नहीं था, जो ट्रूप्स ऑलरेडी ट्रेन थे उससे अटैक किया। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हमारा जो परसेंटेज होता है अटैक का, वो आगे वाले बंदे से कंपेयर हो जाता है उसके अटैक से या उसके बेस से, और उसने अगर ज़्यादा स्कोर किया है तो वो जीत जाता है और हम लोग हार जाते हैं। तो ये इसमें कुछ अलग मुझे लगता था, और तभी मैं ऐसे ही खेला करता था।
तो एक बार जाके देखते हैं कि इस बंदे ने जो इतना परसेंटेज स्कोर किया हमारे बेस के ऊपर, उसने किस तरह का अटैक किया था। अच्छा, इसने ज्यादातर एयर वाला अटैक ही चूज किया है, मिनियंस को लेके आया है और बेबी ड्रैगन से काफी, और उसने बैटल मशीन को एज अ डिफेंस यूज किया। सब मेरे डिफेंसेस लॉकडाउन थे बैटल मशीन से, और मिनियंस ने तब तक बहुत सारे बिल्डिंग्स और डिफेंसेस को क्लियर आउट किया। ओके, तो कुछ इस तरीके से अटैक हुआ। और इतने दिनों बाद अगर मेरा अटैक फेल जा रहा है तो हारना किसको पसंद है। एक बार फिर से हम लोग अटैक करते हैं और आई होप इस बार हमारा अटैक अच्छा होगा। ये बस मैं रैंडमली ऐसे अटैक्स कर रहा हूँ इतने दिनों बाद बेस के ऊपर आ रहा हूँ। तो एक अटैक हम लोग फिर से कर लेते हैं, ट्रूप्स ट्रेंड है तो उसी सब ट्रूप्स और उन्हीं ट्रूप्स के साथ हम लोग फिर से एक बार अटैक कर लेते हैं। ओके, तो सर्च करते हैं और हमें मिल गया ये बेस, और इस बार अटैक करेंगे अपनी स्टाइल में जो हम लोग म्यूजिक यूज किया करते थे रियल लाइफ वीडियोस में, तो वो म्यूजिक के साथ हम लोग ये अटैक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, अभी ये बेस तो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है काफी, क्योंकि दोनों तरफ क्रशर्स अलाइंड है और बराबर सेंटर में बिल्डर हॉल है, तो देखते कैसे आ जाता है अटैक अपने स्टाइल में विथ म्यूजिक। तो मैंने इतना कोई स्ट्रैटेजी ऐसा प्लान नहीं किया है, हम लोग अपने जायंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं और पीछे से सब कैनन कार्ड्स डाल देते हैं ताकि वो बिल्डिंग्स को क्लियर आउट कर ले और हमारे जायंट सब डिफेंसेस को इंगेज रखे। और एक चीज़ मैं भूल गया कि मैं कब से क्लिक कर रहा हूँ, मैंने बैटल मशीन को पहले डिप्लॉय करना था, मैं वो करना भूल गया। अभी पता नहीं है, थोड़ा अटैक मेरा जो प्लानिंग मैंने की थी उस हिसाब से नहीं गया है, बट बैटल मशीन को मैंने पहले डालना था, मैंने सिर्फ एक ही मुझे जायंट डालना था, बैटल मशीन को मैंने डाल दिया और मैं बार बार बैटल मशीन की एबिलिटी यूज़ करना भूल रहा हूँ। आई डोंट नो कितना परसेंटेज अटैक होगा बिकॉज बैटल मशीन की एबिलिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और एक बार भी अगर एबिलिटी यूज़ करने मिल जाए मुझे तो कैनन कार्ड्स बाकी ट्रूप्स को आउट कर लेंगे। और आई डोंट नो 90 तक तो हम लोग पहुँच जाएंगे, 90% अटैक तो हो गया हमारा। अभी एक सरप्राइज एलिमेंट है कि उसने कितना परसेंटेज स्कोर किया, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। ओके, तो हम लोग जीत गए, उसने 67% का अटैक किया। एक बार देख लेते उसने क्या अटैक किया, उसका कहां पे गलत गया। तो अच्छा, ये बार्बेरियंस लेके आया था पूरे, और बार्बेरियंस अगर क्रशर की चपेट में आ गए तो खेल ही खत्म हो जाता है पूरा। तो ये बार्बेरियंस बैटल मशीन और बॉम्बर्स के साथ इसने स्टार्ट किया अटैक। बहुत रुक रुक के सोच सोच के ट्रूप्स डिप्लॉय किए, और बार्बेरियंस अगर कहीं ना कहीं क्रशर के पास में आ गए तो स्प्लैश डैमेज इतना हो जाता है, सब के सब बार्बेरियंस एक सेकंड में आउट। ऑलराइट, तो ये था हमारा कमबैक अटैक जो हमने किया, और अभी इच्छा तो बहुत हो रही है अटैक्स करने की बार बार, तो और एक बार एक अटैक कर लेते हैं।
ओके, तो हमने बेस सर्च कर लिया। अभी ये बेस भी यार, मैं बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ तो ये बेस मुझे इतना इजी नहीं लग रहा है जो मैं ट्रूप्स ये लेके आया हूँ, ठीक है बेबी ड्रैगन्स। लेकिन अगर ठीक से मैं डिप्लॉय करूँ चीज़ें तो हम लोग 3 स्टार निकाल सकते हैं इसके ऊपर भी। अभी पूरी प्रैक्टिस छूट गई है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अच्छा, एक जायंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिर से एक गलती की कि मैं बार बार ये क्यों कर रहा हूँ, बैटल मशीन को पहले डिप्लॉय करना मैं भूल जा रहा हूँ। एक गलती हमने की कि सभी एक भी क्लीनर ट्रूप नहीं रखा है। अगर लास्ट में कुछ परसेंटेज का पंगा हो जाता है तो हो सकता है, बिकॉज हमने सभी को एक ही तरफ से छोड़ दिया जो बहुत एक गलत डिसीजन था मेरा। क्योंकि हम लोग टाउन हॉल पर निकाल लेंगे, 2 स्टार्स तो हमारे पक्के हैं, बट डाउटफुल लग रहा है कि इतना परसेंटेज का अटैक ही होगा। सेवेंटी 4% कम है, ज्यादा हो सकता था अच्छे से अटैक। अभी देखते हैं उस बंदे ने कैसे अटैक किया है। ओह शिट, 1% के अटैक से हम लोग हार गए। अगर मैंने एक बेबी ड्रैगन को पीछे से छोड़ा होता मेरे अटैक में, तो अगर हमें 1-2% का भी 1-2 बिल्डिंग्स एक्स्ट्रा निकाल लेते तो ये अटैक हमारे फेवर में जाता। बट इट्स ओके। तो ये था वो वीडियो कि मैंने जो क्लैश ऑफ क्लैंस का अपना बेस है उसे इतने दिनों बाद विजिट किया। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो इनिशिएटिव है कि क्लैश मैराथन जो होने वाला है आज, उसे सपोर्ट करना। और मेरा वीडियो होने के बाद बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं थ्रू आउट द डे, तो आज बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में। तो एन्जॉय गाइज, और सब लोग घर पे ही हैं तो इसलिए ये चीज़ है ताकि आप लोग घर पे बैठ के बोर ना हो और क्लैश ऑफ क्लैंस लवर्स के लिए कुछ ना कुछ आते रहे। तो बस, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे हमेशा की तरह सपोर्ट करना और कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, मैंने इसमें जो चीज़ें बताई कैसी लगी आपको, और क्या आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही क्लैश ऑफ क्लैंस के और वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट करके मुझे बताना। और वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लाइक कर दो तो एक हौसला मिलता है कि और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाना चाहिए। तो लाइक करना और बस सपोर्ट कर देना, पसंद आ रहा है किसी के साथ शेयर कर दो। तो अभी जो मैंने इतने दिनों बाद क्लैश ऑफ क्लैंस का बेस विजिट किया है, तो इस पे हमें कुछ ना कुछ तो टारगेट लाइक्स का रखना चाहिए। तो इस वीडियो पे रखते हैं हम लोग 1000 लाइक्स का टारगेट। आई नो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आप लोगों के लिए, क्लैश ऑफ क्लैंस के बहुत सारे लवर्स हैं तो उतना तो हम लोग पहुँच जाएंगे। तो बस फटाफट कर दो और दिन भर में बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। बस तब तक के लिए अपना फेवरेट गेम जो है क्लैश ऑफ क्लैंस उसे खेलते रहो और हमारे इस चैनल की वीडियोस देखते रहो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।